दोस्तों, प्रियंका गांधी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। चलिए आज उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को दिल्ली में हुआ था और वे गांधी नेहरू परिवार से हैं। और दोस्तों, वे वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की मुखिया सोनिया गांधी की दूसरी संतान हैं और फिरोज गांधी तथा इंदिरा गांधी की पोती हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और उनके दादा फिरोज गांधी एक जाने माने संसद सदस्य थे। वहीं उनके नाना जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके पर नाना मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से प्राप्त की और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में की है। अगर हम बात करें उनके व्यक्तित्व जीवन की, तो उनकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई, जिनसे उन्हें दो बच्चे भी हैं, जिनका नाम है रेहान और मिराया। और वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इनके राजनीतिक जीवन की, तो प्रियंका गांधी की भूमिका को राजनीति में विरोधाभास के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने राजनीति में कम रुचि लेने की बात कही है। वहीं 1999 के चुनाव अभियान के दौरान बीबीसी के लिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शक्तिशाली नहीं है, बल्कि जनता की सेवा अधिक महत्वपूर्ण है और मैं उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। हालांकि दोस्तों, उन्होंने अपनी माँ और भाई के निर्वाचन क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में नियमित रूप से दौरा किया और लोगों से सीधा बातचीत भी की। और दोस्तों, उसके बाद से तो उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि अमेठी में प्रत्येक चुनाव के समय एक लोकप्रिय नारा भी लगाया जाता है और यह लोकप्रिय नारा है, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। और इसका मतलब है कि लोग कहते हैं कि अमेठी प्रियंका का है। और दोस्तों, 2004 के भारतीय आम चुनाव में वह अपनी माँ की चुनाव अभियान प्रबंधक थी और उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रबंध में भी काफी मदद की। और वहीं 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जहां राहुल गांधी ने राज्य व्यापी अभियान का प्रबंध किया, वहीं प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली क्षेत्र के 10 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वहां 2 सप्ताह बिताकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में मध्य सीटों के आवंटन को लेकर इंटर कॉन्टिनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश की। और हाल ही में 2019 में वह राजनीति में पूरी तरीके से प्रतिभाग करती नजर आ रही है।